एवरीवन, दिस इज देवेशीष पांडे। अभी अभी न्यूज आई है कि मनु बाकर जी ने इंडिया का पहला मेडल ओलंपिक्स में जीत लिया। 10 मीटर एयर राइफल में उनको ब्रॉन्ज मिला। इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मेडल जीता, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है, अगर आपको 4 साल पहले के टोक्यो ओलंपिक्स याद होंगे, तो वहां पे अगर आप पिछले 4 साल में मनु बाकर की कोई भी फोटो को देखते हैं या गूगल पे जाके सर्च करते हैं, तो उनकी एक फोटो आएगी रेंज पे रोते हुए। एक्चुअली टोक्यो ओलंपिक्स में क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूं। वो कॉम्पीट कर रहे थे और उनका जो वेपन था, यानी कि उनकी जो गन थी, उसमें मैल फंक्शनिंग हो गई थी और वो गन चल नहीं पाई, इस वजह से वो नॉकआउट हो गए। 19 की एज में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, पूरा देश उनसे उस समय उम्मीद लगाए हुए था मेडल जीतने की, बट अनफॉर्चुनेटली उनके मैल फंक्शन ऑफ द वेपन की वजह से वो उस कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। पिछले 4 साल उनके लिए बहुत कठिन रहते, और अगर आप उनके बारे में देखेंगे तो एट देर वॉज वन पॉइंट वेन शी डिसाइडेड टू क्विट शूटिंग, बट उन्होंने अपना धैर्य रखा। आप इमेजिन करिए वॉट वॉज द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा शी माइट हैव बीन गोइंग थ्रू दिस 4 ईयर्स, जब 19 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, हर एक आदमी उनसे उम्मीद लगाया था, एंड अनफॉर्चुनेटली शी कुडेंट विन अ मेडल। 4 साल बाद वापस से वो आए और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। इसे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, आप इस बात को समझिएगा कि बहुत सारे लोगों को जीवन में हार मिलती है, बहुत सारे टाइम पे शायद हम डिजर्व भी नहीं करते, फिर भी हमें हार का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हमारे जुडिशियरी एग्जाम्स में। बट जीतता अल्टीमेटली वही है जो हैंग ऑन करता है, जो कहता है मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। ये जो फाइटिंग स्पिरिट की मिसाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन आपको देती है, तो मैंने सोचा मैं आपसे ये साझा करूंगा। सो आई होप दिस विल हेल्प यू और मोटिवेट यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, एंड लाइफ में भी किसी भी सर्कमस्टांसिस को डील करने की आपको पावर मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।